गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा, विश्व साइकिल यात्री, एक बार फिर आ गया हूँ भाई। और अभी हम हैं दकार, द कैपिटल सिटी ऑफ सेनेगल, और सब भाइयों को बोलते हैं बाय बाय। थैंक यू ब्रजेश भाई, थैंक यू सर जी, थैंक यू साहब। हम जो है दकार से निकल रहे हैं। दकार में हमें एक हफ्ता हो गया यार, पहले 2-3 दिन तक तो अज्जू को भेजना था, तब रुके, फिर यहाँ पे हो गए प्रोटेस्ट भाई। बड़े प्रोटेस्ट कराते हो भाई, टायर टूर जला रखे थे लोगों ने, हम तो घर से बाहर ही नहीं निकले, और हम दकार को उस तरह से एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए। पर अब हम निकलते हैं नई कंट्री की तरफ, मोरतानिया की तरफ। ओ भाई, सुबह सुबह ही तेज हवाएं स्टार्ट हो गई हैं यहाँ पे, तो नोमैड डीके, नोमैड के नाम से है, लेबनीज रेस्टोरेंट है ये, अच्छा बना हुआ है यार। लो जी, हम चढ़ रहे हैं, ये क्रॉसिंग है बाइक और स्कूटर की। ये मोटोवे है, एक्सप्रेसवे है साथ में, इस पे साइकिल अलाउ नहीं है, तो हम नीचे से जा रहे हैं भाई। लोकल वुडन फर्नीचर की दुकान है भाई, लोकल बढ़िया फर्नीचर बना रहे हैं भाई। ए भाई, जरा बच के चलो, आगे भी जरा पीछे भी, ऊपर भी जरा नीचे भी। यहाँ पे बसें जो है, अशोका लेलैंड की बसें काफी चलती है, टाटा की, अशोका लेलैंड की, ये टाटा की है, पीछे वाली अशोका की थी। आज संडे है, ट्रैफिक कम है संडे करके, नहीं तो भाई साहब यहाँ पांव रखने की जगह नहीं होती। गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं सामान के लिए, खाना वाना खिलाया जा रहा है घोड़ों को। थोड़ा ट्रैफिक कम हुआ, इतना ट्रैफिक था ना, मतलब अभी मैं 20 किलोमीटर आ गया हूँ सिटी से, दकार से मैं 30 किलोमीटर के करीब बाहर आ चुका हूँ, फिर भी इतना ट्रैफिक है, पूछो मत। और संडे है, संडे को ये हाल है, बाकी दिनों क्या हाल होता होगा यार। ओ भाई चल, बच्चे बस रोक लो, रोकते बच्चे आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। मैं और अज्जू जब आए थे तो इस रोड से आए थे, जिधर से अभी ये जो राइट हैंड को जा रहा है, जो गांबिया से आए थे, अब हमें जो है लेफ्ट हैंड को जाना, सीधा जाना है। ये जो राइट हैंड को है ये N1 है, हम सीधा जाएंगे, वो N2 है, नेशनल हाईवे नंबर 2। N2 जो है अब मोरतानिया की तरफ जाएगा, यहाँ से लगभग 200-250 किलोमीटर मोरतानिया का बॉर्डर है, तो अगले 2 दिन में वहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट दिखा भाई। तो भाई ये एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पास में ही ये मुझे कोहिनूर इंडियन रेस्टोरेंट और ये 5-स्टार है। ये भाई साहब मिले हैं, कहाँ से हो? बिहार से हैं। तो ये इंडियन ग्रोसरी स्टोर है यहाँ पे, 30-35 किलोमीटर आ गया हूँ मैं घर से चलने के बाद में, तो अब यहाँ पे थोड़ी देर रुकूँगा। एक विशंबर भाई है हमारे, वो आ रहे हैं, उनसे मिलके और फिर मैं चला जाऊंगा। थोड़ा सामान लेना था मेरे को भाई से, वो ले लिया मैंने, कुकिंग का थोड़ा सा शाही पनीर वगैरह, वो जो रेडी टू ईट वाला थोड़ा सा सामान लिया है मैंने। मोरतानिया में जो है इंडियन बहुत कम मिलने वाले हैं, और इंडियन ग्रोसरी भी बहुत कम मिलने वाली है, तो थोड़ा बहुत डेजर्ट का एरिया, तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है हमें रास्ते में चाहिए वो ले लेनी चाहिए। और ये हमारे विशंबर भाई, कैसे भाई साहब? बस यार विशंबर भाई, देखो हमें कहाँ से कैसे मिले, मैं बलदेव भाई के पास में रुका कोनाकरी, कोनाकरी में बलदेव भाई इनके दोस्त हैं, उन और विशंबर भाई के दोस्त हैं, और वहाँ से फिर विनोद
रवांडा में हम विनोद के पास रुके थे करी किंगडम में, तो वो इनके क्लासमेट कर रहे हो ना? हाँ, साथ में। और यहाँ पे क्या कर रहे हो अभी? यहाँ पे मैं एक एल्युमिनियम रिसाइकल प्लांट लगा रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट लग गया है। अच्छा, सेनेगल मेरा पहला कंट्री है। कितने साल हो गए अफ्रीका में? अफ्रीका में मेरे को 10 साल से ऊपर हो गए। क्या बात है भाई साहब, लंबे टाइम से हो अफ्रीका में। तो भाई साहब के साथ चाय की चुस्कियाँ हो गई हैं और अब हम निकलने की करते हैं तैयारी। ठीक है भाई साहब, थैंक यू सो मच। पुलिस थाना क्रॉस कर गया भाई जी, यहाँ से अब मुझे लेफ्ट राइट लेना है ना? यहाँ पे एक भाई है हमारे राठौर जी, उनसे मिलके जाते हैं। उनसे काफ़ी दिन से वार्तालाप हो रही थी, भाई साहब आओगे जब मिलके जाना, तो उनसे मिलते हुए वो आ रहे हैं अभी। साहब जी कैसे हो? बढ़िया, बस बढ़िया भाई, आप बताओ। आ जाओ, बालू रेत में चालन वाली गड्डी को नहीं और क्या, बस आशीर्वाद है पुराड़ा को। रास्ता में कोई तकलीफ तो बनी हुई ना? ना, सबसे पहले मैं मिला दूं भाई को। भाई साहब कैसे हो? राठौर साहब कहाँ से हैं, कैसे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। आज ही आप बस हुआ है ऊपर वाले की। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में से हूँ, बट जयपुर रहते हैं काफ़ी टाइम से और मैं काफ़ी टाइम से अफ्रीका में हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये मेरी कंपनी है। मैं डॉक्टर साहब से काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था इनको, इनसे बात कर रहा था। और कैसे बहन जी आप? अरे ये हमारा लाल पीला काला टिक्का लगा के लाइए माँ इस जी। माँ का प्यार होता है। हम भाई की फैक्ट्री की तरफ आ गए। मैं आया तो था लंच करने के लिए, भाई बोला कि रुक जाओ भाई यहीं पे, तो अब हम रुक गए यहाँ पे। और आज संडे है तो फैक्ट्री के काफ़ी लोग हैं जो क्रिकेट खेला जा रहा है। ये भाई के पीछे फैक्ट्री जिसमें ये काम करते हैं, अब क्रिकेट के खिलाड़ी हैं सब। ढाई साल हो गए मुझे अफ्रीका में इंटर किए हुए। अच्छा, तो मैंने इजिप्ट से इंटर किया था, तो इजिप्ट से मैं नीचे साउथ अफ्रीका गया, साउथ अफ्रीका से अब ऊपर की तरफ जा रहा हूँ वेस्ट। पहले ईस्ट कोस्ट से नीचे आया। ये डॉक्टर साहब ने चौका मारा है। गुड मॉर्निंग यार, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। हम भाई के पास ही रुक गए थे, तो अब हम यहाँ से आगे जाने की कर रहे हैं तैयारी। सुबह थोड़ा सा लेट भी हो गया, तो प्रेम भाई थैंक यू, थैंक यू सो मच। और बहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओए चल, अब ये देखो मैं जा रहा हूँ तो रो रहा है। अमूल्य टाइम दिया एक दिन हमारे। चल बाय करो, बहुत बहुत बड़ी पता नहीं जिंदगी। अरे कब मिले वापस। थैंक यू सो मच भाई, आप इंडियन होके इंडिया का नाम रोशन कर रहे हो, हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। हम किसी को प्राउड से कह सकते हैं कि यस हमारे साइकिल बाबा है वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं बाइसिकल से। हम लोग सोच नहीं सकते जो आप कर रहे हो। वापस चले रोड पे और अपनी ड्यूटी शुरू करते हैं। अब ये लड़का रोए, उससे पहले पहले मैं निकल लूँ। नीम की प्लांटेशन अच्छी हो रही है यार, चारों तरफ नीम के पेड़ लगे हुए हैं। बार बार पीछे मुड़ के देख रहा हूँ कि अज्जू आ रहा है कि नहीं आ रहा, अज्जू आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब मैं ड्राइव कर रहा था मैं और अज्जू, तो अज्जू पीछे रहता था, तो मैं बीच बीच में मुड़ के देखना पड़ता था कि वो पीछे है कि नहीं है, पीछे है कि नहीं, कहीं पीछे ना रह गया हो। तो वो आदत पड़ गई डेढ़ दो महीने में, पर ठीक है अब धीरे धीरे चलना तो है ही। अपना वापस वही रूटीन जो 6 साल से चलता आ रहा था उसी में आ जाएंगे। अब मैंने पूरी लोड कर ली है धनों को, क्योंकि आगे मुझे कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए। खाने का पूरा सामान मैंने ले लिया है। यहाँ से चलने के बाद में अब मोरक्को में, मोरतानिया में ज़्यादा इंडियन वगैरह कुछ है नहीं, इंडियन फूड भी एक दो रेस्टोरेंट है, बाकी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी नहीं। क्रेशर लगा हुआ है पूरे एरिया में, मिट्टी मिट्टी कर दी, सफ़ेद क्रेशर है कोई इधर भी, तो पूरा एरिया सफ़ेद ही सफ़ेद दिख रहा है। देखिए नीम का पेड़ भी सफ़ेद हो गया है यार। हमने खाना खा लिया कुछ थोड़ा सा, हमने तो अब याद नहीं रहा, मैंने खाना खा लिया, अच्छू तो अब चला गया। आज का टारगेट जो है अभी भी 60 किलोमीटर के करीब रहता है, तो पहुँच जाएंगे शाम तक, बाकी रब रखा है भाई। हाँ गर्मी बहुत है भाई अभी, आज का टारगेट जो है 20-25 किलोमीटर रह गया,
गर्मी स्टिल बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर 44 के आसपास पहुंच गए। ये देखिए गन्नों को मैंने लठ पे खड़ा किया है, पर अब अच्छी चीज़ क्या है कि अभी तक जो है प्लेन चल रहा है, चढ़ाइयाँ उतराइयाँ नहीं है, हवा थोड़ी सामने की है पर प्लेन है तो थोड़ा सा ज़्यादा जोर नहीं लग रहा, हवा की वजह से जोर लग रहा वो अलग बात है। एक चीज़ अच्छी है, यहाँ पेट्रोल पंप पे आपको रेस्टोरेंट भी मिलेगा, सुपरमार्केट भी मिलेगी, गाड़ी धोने का सामान भी मिलेगा। अभी होटल देखना, होटल देखेंगे, होटल आज हम ज़्यादा नहीं चले, थोड़े से चले हैं। वो होटल तो खाली नहीं था, दूसरे पे आया हूँ, देखता हूँ रूम मिलेगा कि नहीं। यार यहाँ पे रूम का पता नहीं है क्या चक्कर है, बड़े कम मिलते हैं। Your destination is on the left. मैं पहुँच गया हूँ इस होटल में, बिदवी दी, ये मेरा रूम है, तो मैंने ये रूम ले लिया। भाई यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस थी आज और कॉन्फ्रेंस की वजह से कोई रूम नहीं मिल रहा था, तो ये रूम भी मैंने किसी को तीन बंदों से पूछते पचाते 7 होटलों में मैंने चक्कर मारे तब जाके मुझे ये रूम मिला। और ये रूम बिल्कुल कॉर्नर पे है, रोड पे है, तो थोड़ा सा वैसे आवाज़ आएंगी रात को, पर ठीक है रात कट जाएगी अपनी। उधर गया था मैं स्टार्टिंग में, वहाँ पे 2-3 रेस्टोरेंट है। अभी मैं एक ग्रोसरी स्टोर देख रहा हूँ जहाँ से कुछ चाय कॉफ़ी मिल जाए, चाय कॉफ़ी पीने का मन है। होटल में बड़ी महंगी पड़ती है यार, तो आज सही तरीके से बात करूं तो अज्जू के बगैर पहला दिन है 2 महीने बाद में, तो मुझे अताया वाला मिल गया। साबा ये लोकल कॉफ़ी है, इट्स कॉफ़ी है काटा, नाइस। थैंक यू सो मच साबा, मैसी बैको भाई साहब, अदरक और वो सब कुछ डाला हुआ इसमें, खतरनाक बनी हुई, मज़ा आ गया, मज़ेदार। अताया बोलते हैं इसको, अताया, ये लोकल कॉफ़ी होती है, इसमें चीनी बहुत ज़्यादा डालते हैं, बाकी सब चीज़ सही है। और इसके अंदर अदरक वदरक सब चीज़ें कूट के उबालते रहते हैं फिर दे देते हैं। तो सिक्योरिटी वाला भाई खड़ा था, माँ चल तू भी पी भाई कॉफ़ी है, ये 100 सिफा की होती है, तो लगभग 12-15 रुपए में देते हैं, तो अच्छा है बट मज़ेदार है। व्हाट हैपन, यू हैव शुगर, शुगर डायबिटिक, ओ कंट्रोल, नो कंट्रोल, यू पुट इंजेक्शन एवरी टाइम, इंसुलिन, ओके भाई का पैर कटा हुआ है, शुगर है, इसको शुगर की वजह से पैर काटना पड़ा होगा, 2-3 उंगलियां काट रखी हैं, तो ये बड़ा खतरनाक है। शुगर वालों को अपनी शुगर कंट्रोल रखनी चाहिए यार, ये स्लो पॉइजन है। और श्रावण वावर लूँगा, रेस्ट करूँगा और आज का वीडियो करता हूँ यार यहीं पे ख़त्म, तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, जय हिंद जय भारत।